जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मुझे जबलपुर जाने का अवसर मिला और हमारी ये यात्रा वैसे 3 दिनों की थी। 2 दिनों तक हमने जबलपुर भ्रमण किया, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। मार्च के अंत की बेहद तेज़ गर्मी शरीर को सुलझा देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन ये भीषण गर्मी भी हमें जबलपुर के खूबसूरत पर्यटन स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को देखने जाने के लिए रोक नहीं सकी। तो आज इस वीडियो में हम आपको हमारी जबलपुर यात्रा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जबलपुर में हमने क्या क्या देखा, किस तरह से हमने जबलपुर एक्सप्लोर किया, पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। आशा है आपको हमारा ये प्रयास काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, इससे पहले हम हमारी यात्रा शुरू करें, थोड़ा सा जबलपुर के बारे में जान लेते हैं। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश का एक बहुत ही ऐतिहासिक और आधुनिक और खूबसूरत शहर है। भौगोलिक रूप से जबलपुर 367 यानी कि 367 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ शहर है, तो काफ़ी बड़ा शहर है। ये शहर भारत के श्रमद इतिहास का भी गवाह है। रानी दुर्गावती का महल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है। जबलपुर शहर के पश्चिमी बाहरी क्षेत्र में एक पहाड़ी पर मदन महल फोर्ट बना हुआ है, जो रानी दुर्गावती का महल माना जाता है। इसका निर्माण सन 1116 में करवाया गया था। तो जबलपुर शहर काफ़ी ऐतिहासिक होने के साथ साथ औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर धार्मिक रूप से पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एजुकेशन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि यहाँ पर आप जबलपुर में IIIT जबलपुर स्थित है, जहाँ पर पूरे देश से लोग बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं। तो नर्मदा के पावन तट पर जबलपुर शहर बसा हुआ है। नर्मदा माँ गंगा के समान ही पवित्र और पाप नाशिनी है। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये शहर अपने आकर्षित कर देने वाले घाटों के लिए, खूबसूरत झरनों के लिए और ऐतिहासिक विरासतों के लिए जाना जाता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर जबलपुर को भारत का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बना देती है। तो गर्मी तेज़ थी, लेकिन हम ये मौका चूकना नहीं चाहते थे, तो हमने हमारी यात्रा शुरू की। तो हमारी यात्रा शुरू हुई अजमेर से। अजमेर से जबलपुर हमें सीधी ट्रेन मिल गई। अजमेर जबलपुर दयोदया एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जो कि एक ही ट्रेन है जो अजमेर से चलती है, और ये ट्रेन रोज़ाना चलती है, डेली है। दयोदया एक्सप्रेस इसका नाम है। तो ये ट्रेन अजमेर से दिन में 3:30 बजे 3:30 पर चलती है और अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास जबलपुर पहुँचती है। तो हम सुबह 9:30 बजे जबलपुर पहुँच गए। जबलपुर पहुँच कर हमने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल ली, क्योंकि हमने बाज़ार में काफ़ी होटलें देखी जो काफ़ी गंदी थी, जिनमें बदबू आ रही थी और पैसा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मांगे जा रहे थे। तो हमने जबलपुर स्टेशन जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, वहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो पास ही में आपको एक होटल मिलेगी, वो होटल हमने यहाँ पर ली। रेलवे स्टेशन के पास ये होटल हमने ले तो ली, काफ़ी महंगी होटल थी, लेकिन इसके बाद भी हमारा यहाँ का अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा, अनुभव ख़राब ही रहा। यहाँ आपको सबसे घटिया सर्विस मिलेगी। 2 दिनों के स्टे में ना तो कोई सफाई करने के लिए आया, ना ही किसी प्रकार की हमें कोई सर्विस दी गई। 42 रुपये में हमें दुनिया की सबसे घटिया चाय यहाँ पीने के लिए मिली। जी हाँ, डिस्पोजेबल कप में आपको यहाँ 42 रुपये में चाय दी जाएगी, जिसे आप पी नहीं सकते हैं। इससे अच्छी चाय आप 10 रुपये में सड़क पर किसी भी चाय की दुकान पर, ठेले पर पी सकते हैं। और जब मैनेजर से हमने इस घटिया चाय के बारे में कहा, तो वो बहस करने लगा कि नहीं, इसके पैसे तो आपको देने ही होंगे, क्योंकि हमने सिस्टम में चढ़ा दिया है। और हमसे 3 घटिया चाय के पैसे बहुत ही ज़बरदस्ती से वसूल किए गए। तो कुल मिलाकर इस होटल का अनुभव हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। ये होटल जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बाहर निकलने पर एकमात्र होटल है ठीक नज़दीक में। आप कोशिश करें कि इस होटल से दूर ही रहें। हमारा अनुभव बहुत ही ख़राब रहा और इस ख़राब अनुभव से आप ना गुजरें, इसलिए मैंने ये आप बीती आपके साथ में शेयर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने होटल ली, नहा धोने के बाद में हमने सबसे पहले धुआंधार जाने का निश्चय किया। देखिए, जबलपुर में आप हर स्थान को, हर टूरिस्ट पॉइंट को यहाँ की लोकल बस, जिसे चलो बस कहते हैं या इसे मेट्रो भी कहते हैं,
इससे आप भ्रमण कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको ऑटो की ज़रूरत रहेगी तो पूरा जबलपुर आप मेट्रो बस से भ्रमण कर सकते हैं। ये सबसे सस्ता साधन है और हमें लगा कि इस बस में रेट भी निर्धारित है तो ठगे जाने का भी डर नहीं है। तो हमने इस बजट साधन से ही जबलपुर घूमने का निश्चय किया और हमने किसी भी प्रकार की कोई टैक्सी हायर नहीं की। देखिए, जबलपुर में अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो लगभग 1800 रुपये आपको वो भेड़ाघाट तक ले जाने के मांगेगा। अगर आप ऑटो वाले से बात करते हैं तो ऑटो वाले भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ऑटो वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगेंगे। आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। तो नहा धोने के बाद में हमने धुआंधार जाने का निश्चय किया। जबलपुर में आपको किसी भी स्थान से लोकल बस मिलेगी जिसे मेट्रो कहते हैं, तो हमने मेट्रो से ही जाने का निश्चय किया। और प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ आपको हर 5 मिनट में चलो बस यानी कि मेट्रो मिल जाएगी। तो हमने धुआंधार जो है जाने का इसी से निश्चय, और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें ये बस मिल गई। धुआंधार एक झरना है जो कि भेड़ाघाट में आता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन से आपको 3500 रुपये देने होते हैं। यदि आप इसी स्थान पर ऑटो से जाते हैं तो ऑटो वाला आपसे 800 रुपये मांगेंगे, और यदि आप टैक्सी से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो आपको 1800 रुपये देने होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बस की सर्विस कितनी बढ़िया है। मात्र 3500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम धुआंधार झरने के लिए निकल पड़े। धुआंधार एक बड़े झरने का नाम है। ये वो स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी बहुत ही ऊँचाई से, लगभग 98 फीट की ऊँचाई से गिरते हुए एक बड़े झरने का रूप धारण कर लेती है। यहाँ जो नर्मदा का पानी है वो इतने प्रेशर से गिरता है कि पानी की बहुत ही महीन बारीक बारीक बूंदें उड़ती हुई नज़र आती है। और ये बूंदें जब उड़ती है तो ये इस तरह से नज़र आती है जैसे कोई धुआं उठ रहा हो, इसीलिए इसका नाम धुआंधार रखा गया है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो बस ने हमें धुआंधार पॉइंट पर छोड़ दिया। वहाँ से आपको थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है धुआंधार झरने तक के लिए। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी, कुछ खाने पीने की दुकानें भी आपको देखने को, ठेले मिल जाएंगे, दुकानें मिल जाएगी। खास ज़्यादातर दुकानें आपको मूर्तियों की मिलेगी। यहाँ आपको शिवलिंग और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। रास्ते भर में आपको इस तरह की दुकानें मिलेगी जहाँ आप खरीद सकते हैं। कुछ लोग सॉफ्ट स्टोन पर नाम लिखते हुए भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप रास्तों को पार करते हुए हम धुआंधार झरने तक पहुँचे। धुआंधार बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत ही तेज़ी से नर्मदा का पानी गिरता है। चलिए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। वीडियो लेना है क्या? अरे वो उनके बीच में आ गया। तो धुआंधार झरना भेड़ाघाट में स्थित है। यहीं धुआंधार झरने के पास ही पंचवटी नौका विहार है जो यहाँ का सबसे प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जी हाँ, सबसे खास स्थान है भेड़ाघाट नौका विहार, जिसे पंचवटी नाम से जाना जाता है। इस नौका विहार के बिना आपकी जबलपुर की यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती है। वास्तव में ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो धुआंधार झरने के मज़े लेने के बाद हम नौका विहार के लिए पंचवटी भेड़ाघाट के लिए निकल पड़े। धुआंधार झरने से नौका विहार के लिए आपको ऑटो करना होता है या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। ऑटो वाला आपसे प्रति व्यक्ति 10 रुपये लेता है, तो 10 रुपये खर्च करके आप पंचवटी तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो हमने ऑटो लिया और नौका विहार के लिए पंचवटी तक पहुँच गए। वहाँ हमने नौका विहार किया। यहाँ घाट पर आपको खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा। एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, हमने यहाँ मैगी खाई और कुछ रिफ्रेशमेंट लिया। नौका विहार का अनुभव बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। चलिए आपको नौका विहार के कुछ अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। और आगे से बोले गाइड, अभी देखते हैं आप लोग चारों साइड और कमेंट्री पॉइंट, अभी थोड़ा इनका मजा लीजिए आप लोग। मगरमच्छ भी दिखाओगे क्या? हाँ सर, मगरमच्छ दिखाएंगे, मगरमच्छ के हेडक्वार्टर बताएंगे। अभी देखो ऊपर झाड़,
ऊपर है झाड़ नीचे है पहाड़, आप लोग कर रहे हैं नर्मदा जी में नौका विहार। आपका नाम? इन्हीं का बोलते हैं यही से हो जाती बोर्ड वालों की कामयाबी शुरू। मार्बल देखो स्त्री पे लाइट ब्लू, ये पलट के देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। और आगे से बोले गाइस अभी देखते चलना अपने चारों साइड। पानी आ गया भैया। 60 घंटे का एक हिंदी मूवी निकला था प्राण जाए पर वचन ना जाए, यहीं पर आए थे सुनील दास, साथ में आई थी रेखा। तो सुनील दास ने प्रेमनाथ को उसी गड्ढे में उठा उठा के देखा, यहीं से फिसला था उनका पैर, सुनील दास गिरे थे इसी पानी में। प्रेमनाथ के टोरदा पर हड्डा हो गया भारी गड्ढा। वो सुनील दास इधर ही गिरे था ना? हाँ सर। आपने तो निकाला था? प्रेमनाथ का डोले बोलता है तेरे शीशे के महल नहीं, ये संगमरमर की चट्टाने हैं, भाग सेठ कहाँ तक भागेगा, यहाँ नहीं धूम आदरक स्टार से मारूंगा। ये डायलॉग बोलते गट्टे के अंदर। ये देखिए सामने की साइड आ गई नेचुरल बुल भुलैया कंपोजर पॉइंट। आप लोग सभी लोग गैस करिए, अंदर लगाइए, अपनी बोर्ड किस तरह की जाएगी, लेफ्ट करने की राइट, राइट में जाएगी, राइट बताने वालों को मिलता बम्पर पे राइट, राइट जाएगी राइट, राइट ओके राइट सही है जी नहीं है अभी देख जो बोलेगा सही। साठ मुतारा जा रहे यहीं, जाने नहीं कहीं बाप से मिला लेंगे यहीं। तो देख लिया आपने कि नौका विहार के दृश्य वास्तव में बहुत ही अद्भुत थे, अच्छे थे। सचमुच मार्बल की चट्टानों के बीच नर्मदा की शांत जल में नौका विहार करने की अनुभूति शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती है। तो जबलपुर जाएं तो नौका विहार जरूर से करें, इसे मत चूकिएगा। नौका विहार करने के बाद हमने यहाँ कुछ देर घाट पर ही आनंद लिया। बहुत तेज गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी, मगर शाम होने लगी, शाम का समय बहुत ही सुहाना सा लगने लगा। हमने यहाँ कुछ खाया पिया, नौका विहार स्थल से हम निकल पड़े 64 योगिनी मंदिर के लिए। अब ये 64 योगिनी मंदिर नौका विहार से बहुत ही नज़दीक में है, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आपने माँ दुर्गा की आरती में सुना होगा 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। अभी नवरात्रा चल रहा है, आरती आपने ज़रूर सुनी होगी। तो जो माता की आरती है उसमें 64 योगिनी जो हैं वो माता की अंश हैं। जो 64 योगिनों का मंदिर जो है वो यहीं पर नौका विहार के पास में है। 64 योगिनी मंदिर तक जाने के लिए थोड़ी ऊंचाई पर है तो 50-60 सीढ़ियों को आपको चढ़कर मंदिर तक जाना होता है। हमने 64 योगिनी मंदिर के दर्शन किए, ये बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। कहते हैं कि 64 योगिनी मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव और पार्वती नंदी पर विराजमान है। जी हाँ, आपने कभी शिव पार्वती जी को नंदी पर बैठे हुए नहीं देखा होगा, तो इस मंदिर में आपको वो दर्शन होंगे जहाँ पर शिव और पार्वती नंदिर पर विराजमान है। मंदिर के भीतर जो मुख्य प्रतिमा है वहाँ हमें वीडियोग्राफी और तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं मिली, फिर भी हमने कोशिश की कि किसी तरह से मंदिर की दर्शन आपको करा सकें। तो आप देखिए किस तरह से दर्शन हो सकते हैं। तो 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये एक वृत्ताकार मंदिर है, यानी कि एक गोलाई में बना हुआ मंदिर है। हमने 64 योगिनी मंदिर के दर्शन किए, ये बहुत ही अद्भुत था। 64 योगिनी मंदिर पर औरंगजेब ने हमला किया था और सभी 64 योगिनी की प्रतिमाओं को उसने खंडित कर दिया था, लेकिन शिव और पार्वती की प्रतिमा को औरंगजेब छू भी नहीं पाया। कहते हैं कि यहाँ की गई मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। तो नौका विहार करने के बाद हमने इस मंदिर के दर्शन किए। आप पहले भी दर्शन कर सकते हैं, ये पास में ही है, हमने बाद में किया, आप भी इस मंदिर के दर्शन जरूर से करें। 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करते करते रात हो चली थी, लगभग 8 बज गए और अब हमें होटल के लिए जाना था। 64 योगिनी मंदिर के बाहर से ही हमें रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो यानी कि चलो बस मिल गई और इस प्रकार हमने पहले दिन की यात्रा पूरी की। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हम कहाँ गए, इसके लिए आपको जबलपुर यात्रा वीडियो भाग 2 देखना होगा। अगले दिन हमने मदन महल, गौरी घाट और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। वो सारी जानकारी, वो सारा वीडियो आपको भाग 2 में देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह है वीडियो, यह है जानकारी, आपको कैसी लगी ये टूर, ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज।
तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।